मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10 मार्च को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और 11 मार्च को बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके चलते प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गहरा सदमा लगा है। कांग्रेस पार्टी सदमे से अभी उभरी भी नहीं थी कि कांग्रेस विधायकों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोज में वे 22 विधायक दिख रहे हैं जो विगत दिन पहले पद से इस्तीफा दे चुके हैं। देखिए एक नजर इन वीडियोज पर। परम सत्य ज्योतिराय सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया है वो किसी भी पार्टी में चाहे बीजेपी में जाएंगे तो यहाँ 22 के 22 विधायक सब एक साथ हैं और सब स्वेच्छा से आए हैं, किसी के दबाव में नहीं है, कोई किसी के संपर्क में। सिंधिया जी जो निर्णय करेंगे उनके हर निर्णय में पूरे 22 विधायक उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। क्यों महाराज साहब के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया और महाराज साहब के साथ साथ जितने भी उनके साथी विधायक थे उन सब के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, निश्चित रूप से वो आप और हम सब जानते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में महाराज साहब के साथ हम पहले भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी उनके साथ ही रहेंगे। जो कांग्रेस के मंत्री विधायक कह रहे हैं कि जो 22 मंत्री गए हैं वो हमारे संपर्क में हैं, वो वापस लौट के आ रहे हैं, उनका कहना बिल्कुल गलत है। हम तो श्रीमंत सिंधिया जी के साथ हैं, 22 के 22 विधायक, और हमने पहले भी इस्तीफा दे दिया है। और हमारे नेता का जहां अपमान होगा, जिस पार्टी में अपमान होगा, हम उसमें अपने नेता का अपमान करते ही सहन नहीं करेंगे। जिसके नाम से मध्य प्रदेश में सरकार बनी हो और आज उस हमारे नेता का, हमारे श्रीमंत सिंधिया जी का अगर अपमान है तो हम बिल्कुल कतई ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे नेता के लिए अगर हमारी जान की भी जरूरत पड़ेगी तो हम अपने नेता के लिए अपनी जान भी दे देंगे। और हम सिंधिया जी के साथ में जहां भी हमारा नेता जाएगा, जिस पार्टी में जाएगा, हम उनके साथ जाएंगे। पिछले एक साल से जिस तरह से सिंधिया जी को परेशान किया जा रहा था, उनकी उपेक्षा की जा रही थी, हम उससे आहत थे और इस वजह से हम अपनी स्वेच्छा से सिंधिया जी के साथ हैं, तो सिंधिया जी के साथ रहेंगे। जहां वो हैं वहीं हम रहेंगे, न किसी के दबाव में है, न हम किसी को हमको रोका है, हम सिंधिया जी के साथ हैं। जो लोग मीडिया में अफवाह फैला रहे हैं वो गलत है, मीडिया की बात नहीं मानी जाए, हम सिंधिया जी के हमेशा साथ थे, हैं और रहेंगे। और सब स्वेच्छा के साथ यहाँ आए हुए हैं और सारे विधायक, 22 विधायक करीब हैं और 23 दो और हमारे संपर्क में हैं। सारे लोग यहाँ अपने मंच से आए हैं और सारे लोग सिंधिया जी के साथ हैं, उनके निर्णय से खुश हैं कि जो देश हित में वो निर्णय ले रहे हैं, जो राष्ट्र हित में निर्णय ले रहे हैं, वो सोच समझ कर ही ले रहे होंगे। और हमारे बहुत से साथी जो मैंने देखा एयरपोर्ट पर कि जो जयपुर गए हैं वो कह रहे हैं कि हम संपर्क में हैं, तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं ये भ्रम फैलाने वाली बात है, कोई किसी संपर्क में नहीं, सब खुश हैं। हाँ, जो लोग जयपुर गए हैं वो विधायक जरूर हम लोगों के संपर्क में है और वो कह रहे हैं कि हम लोगों को साथ क्यों नहीं ले गए, हम यहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं। और आज मैं सबको बताना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता इस बात की गवाह है, जब मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया वो मेरा निर्णय था, मेरी माताजी का निर्णय था। मेरी माताजी जो भीम सिंह मंडावा की बेटी हैं, जो राजस्थान में मंत्री रहे, विधायक रहे और सांसद रहे, उन्होंने ये कहा, बेटा अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से ज्यादा पाप का भागीदार होता है। कमलनाथ सरकार गई, बचेगी नहीं। सिंधिया जी के साथ में जो अन्याय उन्होंने किया है, जो एक सवा साल में उन्होंने सिंधिया जी के हाइट को कम करने की कोशिश की है, जो कुप्रयास उन्होंने किया है, उसका नतीजा है ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के फेलुअर का नतीजा है। और हम इसका जवाब कमलनाथ जी को, कमल शीर्ष नेतृत्व को देने वाले हैं और देंगे। एक संदेश और मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं, जो कमलनाथ जी के कुछ चमचे इस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं, सिंधिया जी की कद के सामने खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी औकात पार्षद बनने की नहीं है। वो सिंधिया जी हैं जिनकी बदौलत मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी। कि जिन श्रीमंत सिंधिया जी के नाम पर हमको वोट मिला, जिन श्रीमंत सिंधिया के नाम पर हमको मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास दिया, दुर्भाग्य से पिछले 1.5 साल से, और वो श्रीमंत सिंधिया जी जिन्होंने मध्य प्रदेश में एक नहीं 6-6 उपचुनाव
जिताए। पिछले 15 साल से उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को स्थापित करने के लिए खून और पसीना बहाया। दुर्भाग्य से ऐसे श्रीमंत सिंधिया जी को किनारे किया जा रहा था, उनको राजनीतिक रूप से उनके वर्चस्व को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। और यहां तक स्थिति कि अगर उन्होंने जनता के सामने यह बात कही कि अगर हमारा वचन पत्र लागू नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे, कोई गलत बात नहीं थी। एक कांग्रेस के नेता होने के नाते उन्होंने जो मध्यप्रदेश की जनता से वायदा किया था उस वायदा को पूरा करने के लिए उनका वो संकल्प था। और अगर मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि अगर उतरना है तो उतर जाए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक कोई बात हो नहीं सकती। आज जो हमने निर्णय लिया है पूरे अपने मन से लिया है, बिना किसी दबाव के लिया है और अंतिम सांस तक श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रहेंगे। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी पीड़ा थी कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। उसके बाद में अध्यक्ष के लिए उनका नाम आया तो अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया, और फिर उसके बाद में उनका लोकसभा के लिए नामांकन होना था कांग्रेस से राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए भी उनको टिकट नहीं दिया जा रहा था। तो इतना घोर अपमान लोकतंत्र में सहन करने योग्य नहीं है। अपने घर को छोड़कर जाने में दर्द होता है, लेकिन जिन लोगों ने मजबूर किया है इसके दोषी वो लोग हैं। हमने कमलनाथ जी से, मैं रघुराज कंसाना कमलेश ने कई इशू पर हमने कमलनाथ जी से कहा था कि आप थोड़ा झुक जाएं और सिंधिया जी से बात कर लें। मुझे यहाँ कोई लेके नहीं आया है, मैं अपनी शिक्षा से आई हूँ। जहाँ महाराज जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। मुझे यहाँ तक महाराज ने पहुँचाया है, महाराज मेरे नेता हैं और मैं उनके कहने से नहीं, मैं अपनी शिक्षा से यहाँ तक आई हूँ। महाराज जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाने को तैयार हूँ। ग्वालियर अंचल में 34 सीटों में से 27 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। सरकार बनाने में सिम सिंधिया जी का बहुत बड़ा रोल रहा, लेकिन 7 सालों में जिस व्यक्ति ने कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना तन मन सब लगा दिया दांव पर, उस व्यक्ति की उपेक्षा करने का काम किया गया, उसका अपमान करने का काम किया गया। निश्चित तौर पर सिंधिया जी हमारे नेता हैं और जिनके आशीर्वाद से मुझे 3 बार टिकट मिला, 2008, 2013 और 2018। आज विधायक हैं तो निश्चित तौर पर सिंधिया जी का बहुत बड़ा योगदान आशीर्वाद हमारे साथ है। तो जिनके आशीर्वाद से 3 बार मुझे टिकट मिला, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम हर फैसले में सिंधिया जी साथ रहें। सिंधिया जी जो भी निर्णय करेंगे उस निर्णय में हम सब उनके साथ हैं। और उस व्यक्ति को इतना उपेक्षित करना, उनके लोगों को उपेक्षित करना, एक और जहां आप बात करते हो कि खजाना खाली है और दूसरी तरफ 12,000 करोड़ के काम छिंदवाड़ा की कॉन्स्टिट्यूंसी में किए जाते हैं, क्या बाकी विधायक और बाकी मंत्री क्या झक मार रहे हैं? क्या हमारी उपेक्षा नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में जनता के साथ छलावा कांग्रेस ने नहीं किया? 10 दिन का कर्ज माफी का जो ऐलान किया था क्या हुआ उसका? हम पूछना चाहते हैं आज। आज हम क्षेत्र में जाते हैं तो जनता हमसे पूछती है कर्ज माफी का क्या हुआ, भ्रष्टाचार रोकने का क्या हुआ, व्यापम का क्या हुआ। ये सारी बातें अब हम जिस भी पार्टी में आदरणीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जाएंगे उसके माध्यम से हम उनके साथ जाएंगे। 20 के 20 पूरी तरीके से हम एक हैं और किसी प्रकार का संपर्क और जो टीवी हम देख रहे हैं, और मैं अपने विधायक भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी नेस्तनाबूद हो जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर। सब लोग 22 लोग बेंगलोर में हैं और सभी अपनी मर्जी से हैं, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से हैं। और जहाँ अच्छा निर्णय लिया है महाराज ने कि हमको वे किसी जगह पे ले जा रहे हैं, अगर महाराज साहब किसी जगह पे नहीं ले जाते, हम लोगों से अगर वो कहते, स्वयं मैं अपने से खुद कहती हूँ कि कुआं में गिरना है तो कुआं में भी गिरूंगी, पर महाराज के साथ रहूंगी। जहाँ हमारे श्रीमंत महाराजा साहब हैं वहाँ इमरती देवी है और जितने हम 22 विधायक हैं सब हंसी खुशी से हैं और सब अपनी इच्छा से हैं। और महाराज की जो अपेक्षा उनने की है कांग्रेस वालों में, इतनी तो बीजेपी में भी कभी नहीं हुई थी। हमने भी 10 साल बीजेपी में रहे हैं विधायक बन करके, तो इतना बुरा हाल नहीं था जितना कमलनाथ जी ने कर दिया था। मैंने अपने क्षेत्र के जनता के लिए कई मांगे रखी थी और मांग रहा था, तो उनका कहना था देख लेंगे कर लेंगे, पर कोई एक भी किसी भी क्षेत्र की समस्या का कोई समाधान नहीं किया। और मैंने श्रीमंत सिंधिया जी से आग्रह किया था
कि इस तरह की जो हालातें बन रही हैं, महाराज साहब कोई डिसीजन लो और जो महाराज ने डिसीजन लिया है, मैं महाराज साहब के साथ हूँ, मैंने अपनी स्वेच्छा के साथ ये इस्तीफा दिया है और मैं हमेशा महाराज के साथ रहूंगा, महाराज के समर्पित हूँ, ये मैं वादा करता हूँ। जय हिंद। नेता ज्योतिराज सिंधिया के साथ आज भी ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ हूँ, आगे भी ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ रहूंगा और जो हम लोगों ने 22 लोगों ने इस्तीफा दिए, सबने अपनी अपनी स्वेच्छा से रिजाइन किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ 22 के 22 विधायक एक भी उनके संपर्क में नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। हम लोग सब सिंधिया जी के साथ हैं, महाराज के साथ हैं और महाराज ने जो निर्णय लिया है वो जनहित में लिया है, जन भावनाओं के प्रतीक लिया है। निश्चित रूप से पूरी ताकत से हम लोग महाराज के साथ हैं, जो निर्णय महाराज ने लिया है उसका हम स्वागत करते हैं, पूरी ताकत से साथ देंगे। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग कि कुछ विधायकों के पुलिस से कार्रवाइयां, कुछ उल्टी सीधी कार्रवाई करा रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग कतई डरने वाले नहीं हैं, पूरी ताकत से महाराज के साथ हैं और जो निर्णय महाराज लेंगे पूरी ताकत से उनके साथ रहेंगे। श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ हूं, वो हमारे नेता हैं और आज मेरी जो हैसियत है जजपाल सिंह जज जी की, वो श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी की वजह से, और जहां सिंधिया जी हैं वहां मैं हूं विधायक की, बहुत छोटी चीज है सिंधिया जी के लिए, हमें ये मौका मिला है उनके लिए त्याग पत्र देने का, उस हमें अपना सौभाग्य समझता हूं। हम लोग श्रीमंत सिंधिया जी के साथ हैं, हम 22 के 22 विधायक एक साथ हैं, हम लोगों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है और आज भी हम कहना चाहते हैं कि जहां हमारे नेता का अपमान होगा वहां हम उस पार्टी में नहीं रह सकते, हम अपने नेता के साथ हैं। तो जो लोग हमसे कह रहे हैं दबाव में इस्तीफा दिया, हम कोई के दबाव में नहीं है, हमने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया और ये सही है, कम से कम महाराज साहब के साथ हमेशा थे और रहेंगे। ये सरकार क्यों गिरी उसका कारण है, सरमंत महाराज साहब के नाम पे ये सरकार मध्य प्रदेश में आई थी। हम जब भी सीएम से मिलने गए तो हमको एक ही शब्द मिलता था, चलो 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 24 घंटा तो चलो चलो, ये सरकार नहीं चलती, ये सरकार जी गिर गई, हम सरमंत के साथ थे है रहेंगे, हम पे कोई दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से आए हैं। मैं जिस स्थिति में आया हूं आज मुझे जो जवाबदारी मिली आपकी सेवा करने के लिए, आपने वोट दिया और मुझे इस लायक ताकतवर बनाने का काम श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी ने किया। मुझे आप बताइए कि मुझे नैतिकता के रूप में क्या करना चाहिए, मुझे शांत बैठना चाहिए या इस नेतृत्व को जो ग्वालियर चंद्रधनबा व प्रदेश के विकास के लिए हमेशा संघर्षशील रहे हैं, परिवार की तरह उन्होंने अपने आप को विकास के लिए संकट के हर समय अपने आप को आपके बीच खड़ा पाया, उनके बीच मुझे रहना चाहिए।